कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो लास्ट टाइम अगर तुमको याद होगा, नागागुका का नया सूट क्राफ्ट किया था और देख सकते हो यार, चेस्ट पीस कितना ही ज़्यादा स्टाइलिश है इसका डिज़ाइन। तो ऑफ स्क्रीन ही मैंने दो और नागागुकास हंट किए, तो इसके लिए मुझे नागागुका के पैंट्स के लिए अलग से मटीरियल मिल गया। तो ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया तुमने, बस एक या दो नागागुका का हंट मिस किया होगा। तो अभी मैं चलता हूँ स्मिथि के पास और नागागुका का पेंट क्राफ्ट कर लेता हूँ। फोर्ज इक्विपमेंट में जाऊँगा, आर्मर, और मैं क्राफ्ट कर लूँगा नागागुका बीटा पैंट जिसमें मुझे मिलता है ईवेड विंडो 1। तो ये मैं कर लेता हूँ क्राफ्ट। नाइस। तो यार क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने क्राफ्ट कर ली है, अब मेरे पास पार्ट ब्रेकर कम हो चुका है। तो स्किल्स में जाऊँगा मैं सिर्फ अभी हेलमेट ही चेंज कर सकता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मैं देखूंगा हेल्थ बूस्ट अगर किसी हेलमेट में डबल पीस है कि नहीं। हेल्थ बूस्ट यहाँ पर डबल है और बियो कॉयल पे डबल है। तो बेसिकली बोन हेलमेट तो मैं क्राफ्ट कर ही चुका हूँ और इसमें मुझे हेल्थ बूस्ट के साथ एक पॉइंट ऑफ पार्ट ब्रेकर भी मिल जाता है। तो मैं एक और भी चीज़ सर्च करूँगा, पार्ट ब्रेकर, और मैं देखूँगा पार्ट ब्रेकर मेरे को किसी वेस्ट पीस में मिलता है कि नहीं। तो यार बोन कॉयल में मेरे को पार्ट ब्रेकर 1 मिल रहा है और डिफेंस इतना खास नहीं है उनमें, लेकिन कोरल पूके पूके के वेस्ट पीस में मेरे को पार्ट ब्रेकर 1 मिल रहा है। तो कोशिश करेंगे कि कोरल पूके पूके का एक वेस्ट पीस क्राफ्ट करने का। और अभी के लिए मैं जाऊंगा सबसे पहले तो बोन हेलमेट 1 क्राफ्ट कर लूँगा जिसमें हेल्थ बूस्ट लेवल 2 है, और क्योंकि ऑलरेडी क्राफ्टेड है मेरे पास, मैं इसको कर लेता हूँ चेंज। बोन हेलमेट अल्फा, हेल्थ बूस्ट 2 है इसमें। नाइस। सेट डेकोरेशन, करेंट इक्विपमेंट, और यहाँ पर मैं कर दूँगा कुछ इक्विपमेंट, या फिर कह सकते हो कुछ क्या कहते हैं डेकोरेशन सेट। तो यार देख सकते हो मेरे पास एक ऐसा डेकोरेशन है, ये पता नहीं मुझे कब मिला, जिसमें इवेजन लेवल 1 है और सैटिएटेड है। इसका मतलब मेरे को नागागुका के दो पार्ट से ईवेड विंडो मिल रहा है प्लस ये मिल रहा है। तो मेरे पास तीन पार्ट ईवेड विंडो अभी ही मिल चुके हैं। तो बोन हेल्म देख सकते हो जहाँ पर हेल्थ बूस्ट था, और उसमें अगर मैं एक वाइटैलिटी डाल लूँ, आई गेस वाइटैलिटी डालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हेल्थ बूस्ट 3 है। यहाँ पर जाके देख सकता हूँ मैं, हेल्थ बूस्ट मेरे पास कुछ ज़्यादा ही है लेवल्स, 5 लेवल्स है, लेकिन 5 लेवल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा ना, अपना वेस्ट पीस कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी बदलने की। तो देखता हूँ और यहाँ पर क्या क्या मेरे को मिल सकता है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो मैं ले लेता हूँ इसके लिए इंटिमिडेटर, एक्सपर्ट ज्वेल ही लेना सही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा क्या कहते हैं उसमें अफिनिटी बढ़ जाती है वेपन की। और मैं इसके साथ लूँगा आर्टिलरी, आर्टिलरी तो मुझे चाहिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और ही हार्ड म्यूस्टर ले लेता हूँ ताकि मेरे पैलिको का डैमेज बढ़ जाए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैं ले चुका हूँ, और मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसे क्वेस्ट के बारे में जो बहुत सारा डेकोरेशंस एक ही बार में दे सकता है। तो चलते हैं मास्टर रैंक पे। इवेंट क्वेस्ट है ये और इसका नाम है डफल ड्यूटी। इस क्वेस्ट को मैंने टेस्ट किया था, इसमें यूजुअली 1 से 2 मतलब लेवल 4 ज्वेल्स मिल जाते हैं और क्वेस्ट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए जाना पड़ेगा अपने को शिपरेक कैंप में, राइट। क्वेस्ट लोडिंग होने का वेट करते हैं। तो अभी यार देखकर ही पता चल रहा होगा अपना आर्मर जो है बहुत ज़्यादा अनऑप्टिमाइज्ड है। अनऑप्टिमाइज्ड इसलिए क्योंकि हेल्थ बूस्ट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है अपने पास, लेकिन हेल्थ बूस्ट 3 से ऊपर अगर तुम कुछ भी पॉइंट डालो हेल्थ बूस्ट पे तो वो ज़्यादा काम आता नहीं है। तो दिक्कत वही है, वही रीज़न है कि ये अनऑप्टिमाइज्ड है। क्वेस्ट बहुत छोटा है ये, लेकिन लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, तब तक स्मिथी के पास चेक कर लेते हैं। ओ लगता है क्वेस्ट लोड हो चुका है, डिपार्ट करते हैं। तो डफल ड्यूटी में बेसिकली क्या करना है कि पेंगुइन्स पकड़ने हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेस्ट है, ज़्यादा कुछ
मतलब करने को है नहीं, बस यही है कि अपनी पोजीशनिंग सही से रखनी है, और पेंगुइन्स एक पकड़ लो तो बाकी के भागने लग जाते हैं, राइट? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना कैप्चर नेट इक्विप कर लूँगा मैं। तो ये मैंने इक्विप कर लिया कैप्चर नेट। स्टैमिना की परवाह नहीं है अभी के लिए, वो उतना स्टैमिना चलता है। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा, एक पेंगुइन हो चुका है कैप्चर, एनिमेशन में अटक गया, थोड़ा पीछे जाऊंगा और ये देखो कर लिए मैंने मल्टीपल पेंगुइन्स कैप्चर, फिर से एनिमेशन में अटक गया। तो यार ये पेंगुइन निकल रहा है, तो एक पेंगुइन बचता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, सेंट्रल कैंप 7 पे जाऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसा कैंप है जो बहुत ही पास है पेंगुइन के अड्डे से। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर बाहर का रास्ता है और थोड़े से यहाँ पर घुसोगे तो एक गड्ढा है, राइट? और यहाँ पर एक लास्ट पेंगुइन मिल जाता है, तो इसको मैं कर लूँगा कैप्चर। तो यार अगर पोजीशनिंग अच्छी रही तो सारे पेंगुइन्स उसी लोकेशन में कैप्चर किया जा सकता है। अगर पोजीशन थोड़ी बहुत इधर उधर हुई तो यहाँ पर आके एक पेंगुइन और कैप्चर कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ और पेंगुइन्स मिल जाते हैं कैप्चर करने के लिए। तो यार क्वेस्ट हो चुका है ख़त्म, और यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि ज्वेल्स वगैरह यहाँ पर जो नए डेकोरेशंस है वो किस किस तरीके के मिलते हैं। तो यार एक डेकोरेशन मिला है, किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन 3 स्टार डेकोरेशन मिला है। तो ये एक तरीका है कलेक्ट करने का, एक और तरीका भी है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। क्वेस्ट लोड हो जाता है, हाँ। एक और तरीका भी है जो है कुछ पौधे कलेक्ट करने का, वह है फ्लोरा फ्रॉस्ट बाइट। तो अगर इसमें जाओगे और कैंप नंबर 7 पे जाओगे होरो फ्रॉस्ट रीच पे, तो वहाँ पर एक बैरियोथ देखने को मिलेगा, लेकिन बैरियोथ से अपने को पंगा नहीं लेना है, और जल्दी से जल्दी अपने को क्या कहते हैं, कुछ फ्रोज़न प्लांट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, और उन फ्रोज़न प्लांट्स को कलेक्ट करते ही अपने को क्या कहते हैं, कुछ और डेकोरेशन वगैरह मिल जाएंगे, और वो लेवल 4 डेकोरेशन रहेंगे सारे। हॉट ड्रिंक पी लेता हूँ मैं, गिली मेंटल साथ में रखूंगा, ये चांसेस है साइड में बैरियोथ हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो एंजनाथ है, तो एंजनाथ से तो दूर ही रहना है पहले तो। बैरियोथ लग नहीं रहा कि यहाँ पर है, बैरियोथ है। तो जल्दी से गिली मेंटल पहन लेता हूँ मैं। तो ये वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं इनको अपने को कलेक्ट करना है, और इसे 10 डिलीवर करने हैं अपने को, 4 तो पहले में ही हो गए, और एकदम सामने एक और है यहाँ पे, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ कलेक्ट। तो 6 हो चुके हैं फिलहाल, और ऊपर जाके एक और बार मैं चेक करूँगा, यहाँ पर एक पौधा है। तो 9 हो चुके हैं, एक आखिरी बचता है, और देख सकते हो यहाँ का रास्ता क्योंकि बंद है, एक और आइस ब्लूम के आने का वेट करना पड़ेगा, या फिर मैं नीचे जाके कहीं और थोड़े और आइस ब्लूम ढूंढ सकता हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे क्वेस्ट के लिए यूजुअली कोई ऐसा आर्मर सही रहे जिसमें बोटेनिस्ट वाला स्किल हो। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी अगर ये क्वेस्ट फेल होता है तो एक और तरीका है इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने का। यहाँ पर ये देख सकते हो दो दो बड़ी मछलियाँ हैं। लग नहीं रहा कि आसपास कोई फ्रोजन प्लांट वगैरह कुछ है। तो यार ये क्वेस्ट लग नहीं रहा कि सही टाइम पे कंप्लीट होना है, क्योंकि 3 से 4 ज्वेल्स के लिए इतनी बड़ी ग्राइंड करना सही चीज़ नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्वेस्ट को रीसेट करके देखते हैं, रिटर्न करते हैं क्वेस्ट से। रिवॉर्ड्स वगैरह वैसे मिलेंगे नहीं कि क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया अपन ने,
लेकिन लेकिन एक और तरीका है क्वेस्ट को बहुत ही इजीली कंप्लीट करने का, और वो है बोटैनिस्ट ज्वेल अपने साथ लेके जाने का। तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास बोटैनिस्ट ज्वेल है। अगर तुम्हारे पास ना हो तो कुछ आर्मर पीस वगैरह देख सकते हो जिसमें बोटैनिस्ट का स्किल तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं फ़िलहाल क्या करूँगा ना, सेट डेकोरेशन से जाऊँगा, करेंट इक्विपमेंट में जाऊँगा और देखूँगा बोटैनिस्ट है कि नहीं मेरे पास। जियोलॉजी ज्वेल है मेरे पास और वन एक्स्ट्रा फ्रॉम बोन पाइल्स, फ्रॉम स्पेशल आइटम गैदरिंग पॉइंट्स और गैदरिंग आउटकॉर्प, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर जियोलॉजिस्ट है नहीं ऐसा लग रहा है, नहीं जियोलॉजी है, बोटैनिस्ट नहीं है मेरे पास ऐसा लग रहा है। तो एक और स्किल के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ जो है बोटैनिस्ट स्किल, और एक बार हम जाके देख लेंगे स्मिथि के पास। तो मैं जाऊँगा फोर इक्विपमेंट में, आर्मर में, और देखूँगा बोटैनिस्ट वगैरह कुछ है कि नहीं। आई मीन होना तो चाहिए। सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं, जियोलॉजिस्ट है और बोटैनिस्ट है, देखो मिल चुका है अपने को। लेकिन इसके लिए रैथियन आर्मर चाहिए, लेकिन हाई रैंक में अपने को काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, और क्योंकि बोटैनिस्ट बेसिकली यूज़ होने ही वाला है पैसिव स्किल्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता इनको क्राफ्ट करने में कोई कसर छोड़नी चाहिए। तो देखते हैं, लो रैंक में भी अपने को कुछ बोटैनिस्ट स्किल्स मिल रहे हैं। रैथियन का एक आर्मर मिल रहा है और पुके पुके के कुछ आर्मर मिल रहे हैं, तो इन दोनों को मैं कर लेता हूँ क्राफ्ट। तो मैं अभी इनको इक्विप नहीं करूँगा क्योंकि इस वीडियो में मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, लोड आउट्स कैसे क्राफ्ट करते हैं। बोटैनिस्ट स्किल भी मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या रहता है, एक एक्स्ट्रा कंज्यूमेबल हर्ब पर गैदर, राइट। हाई रैंक में जाऊँगा और चेस्ट पीस तो मिल चुका है, लेग पीस भी मिल चुका है, हैंड्स और वेस्ट चाहिए, लेकिन हैंड्स और वेस्ट के लिए अगेन कुछ है नहीं अपने पास। मास्टर रैंक में देखते हैं कुछ होगा कि नहीं, ना इसमें भी कुछ नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं, दो लेवल ऑफ बोटैनिस्ट देखते कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यार मैं क्या करने वाला हूँ, अभी अपना लोड आउट बनाने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा ना, चेंज इक्विपमेंट में जाऊँगा, और अगर मैं नीचे देख सकते हो मैनेज लोड आउट्स करके एक आइकन बना हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो लोड आउट वन, तो मैं इसको एक लोड आउट में सेव कर दूँगा। इसको नाम दूँगा मैं, एक सेकेंड, इसको मैं नाम देता हूँ रीनेम कैसे करते हैं, हाँ इसको मैंने देता हूँ स्टैंडर्ड LS, स्टैंडर्ड लॉन्ग स्वॉर्ड के लिए। और अभी मैं क्या करूँगा ना, मैं अपने ये सब चेंज करूँगा, क्या कहते हैं, अपने आर्मर वगैरह चेंज करूँगा, देखूँगा बोटैनिस्ट वाला किस पे है। अभी तो बनाया था बोटैनिस्ट, ये एक मिल चुका है, और शायद लेग्स पे एक बोटैनिस्ट है, तो ये दो चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर जाऊँगा और करूँगा चेंज इक्विपमेंट, और इस लोड आउट में इस इक्विपमेंट को सेव कर दूँगा, और इसको मैं नाम दूँगा गैदरिंग, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं, अभी गैदरिंग का लोड आउट फिर से लेते हैं। तो अगर मैं तुम्हें एक बार स्किल्स अपने दिखा दूँ क्या क्या है, इक्विपमेंट इन्फो में जाके, स्किल्स ऐसे दिखेंगे नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं। सेट डेकोरेशन में जाऊंगा और यहाँ पर देख सकते हो मेरे को मिल रहा है बोटैनिस्ट लेवल 2। तो हर्ब फ्रूट नट सीड पर गैदर, राइट। तो फिर से जाएंगे इवेंट क्वेस्ट में, फिर से कोशिश करेंगे उस चीज का। पोस्ट न्यू क्वेस्ट इवेंट्स, फ्लोरा फ्रॉस्टबाइट, होपफुली इस बार कुछ एक्स्ट्रा गैदर्स वगैरह मिल जाए, नाइस।
और क्योंकि अपना आर्मर लेवल बहुत ज़्यादा लो है, मैं किसी से लड़ाई कर ही नहीं सकता, खासकर मास्टर रैंक के मॉन्स्टर्स को लेकर के। ठीक है यार, तो पहुंच चुके हैं यहाँ पर पे, पी लेता हूँ मैं जल्दी से एक हॉट ड्रिंक। होपफुली बैरियोथ ना मिल जाए इधर पे, देख सकते हो अंजनाथ अभी भी इधर पे। तो एक हॉट ड्रिंक अपने को अभी तीन मिले, यूजुअली दो मिलते हैं, बैरियोथ है। चलो छोड़ो, क्यों ही रिस्क लेना। यहाँ से मैं कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगा। तो देख सकते हो यार, यहाँ पर ऑलरेडी आइस ब्लूम्स मेरे को पांच मिल चुका है, होपफुली थोड़े और भी मिल जाए यहाँ पर पे। और देखो हो चुका है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। तो यही है, बोटैनिस वगैरह यूज़ करके मैं बहुत ही जल्दी बाकी की चीज़ें कलेक्ट कर सकता हूँ, और क्योंकि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, मेरे को बैरियर से डैमेज जाने वाला है नहीं, लेकिन मैं उसको डैमेज कर सकता हूँ। क्वेस्ट हो चुका है ख़त्म, और अभी देखना है कि अपने को रिवॉर्ड क्या क्या मिलते हैं। तो यार दो ज्वेल्स मिले हैं, और उनमें से एक एक फोर स्टार ज्वेल है, ड्रेन और इवेजन ज्वेल। इससे और इवेजन का समझ ही सकते हो, इवेड विंडो और ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे, और वेनम ज्वेल जिससे पॉइजन अटैक की स्किल बढ़ जाएगी। तो ये दो ऐसे क्वेस्ट है जिसमें लेवल फोर के कह सकते हो फोर स्टार ज्वेल्स जो है वो मिलते हैं। तो यार वो बढ़िया था, अब चलते हैं एक कोरल पूके पूके को हंट करने, क्योंकि एक सेकेंड, चेंज इक्विपमेंट में जाऊंगा मैं, और स्टैंडर्ड वाले यूज़ करूंगा क्योंकि अभी तो वही चाहिए। सेट डेकोरेशंस में जाऊंगा और देखता हूँ मेरे पास और क्या डेकोरेशन सेट कर सकता हूँ मैं। ड्रेन ज्वेल मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्टैमिना भी मॉन्स्टर का चुराता रहूँगा उसी तरीके से, और यहाँ पर अगर मैं ईयरप्लग्स ज्वेल लगा लूँ तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं एक कोरल पूके पूके की बजाने ज्वाइन क्वेस्ट। गलती से फिर से मैंने ज्वाइन क्वेस्ट कर लिया, पोस्ट क्वेस्ट में जाऊँगा, ऑप्शनल्स में जाऊँगा और देखूँगा। कोरल पूके पूके अरीना में ही मौजूद है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यार चलते हैं कोरल पूके पूके को ख़त्म करने। फिर से मैं तुम्हें बता दूं, कोरल पूके पूके का मुझे वेस्ट पीस चाहिए क्योंकि पार्ट ब्रेकर उसमें कुछ पॉइंट्स है। तो लड़ने से पहले मैं पहले मील कर लेता हूँ। हेल्थ 50%, स्टैमिना 50% और बढ़ चुका है। नार्गाकू का आर्मर भी है जिसमें इवेजन विंडो बहुत सारा मिलता है अपने को। और क्योंकि नार्गाकुगा के तीन पीस आर्मर है, इसका मतलब यह है कि मेरा जो शार्पनेस है वो बहुत धीरे धीरे रिड्यूस होगा। इसके रोर को ही मैंने डॉज रोल कर दिया, नाइस। सबसे पहले तो इसके दोनों पंखों को मैं टेंडराइज करूंगा ताकि जल्दी से तोड़ सकूं। अरे कैसे नहीं, हाँ शायद एक और बार से मैं इसको वॉल बैंक कर सकता हूँ। गलत जगह अटक रहा हूँ हमेशा मैं, नाइस। बढ़िया, अपना बिल्ला भी बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है इस बार। चलो अभी इसका पंख, नाइस। फोर साइड कॉम्बो कंप्लीट। ओह
एक और वाल हेल्म ब्रेकर की तैयारी, पंखों पे वार, नाइस। मुझे लगा नहीं था कि वो फोर साइट होएगा। कुछ तो टूटा है, लेकिन हाँ पंख ही टूटा है। मैं भूल ही गया था इसकी पूंछ के बारे में। पहाड़ी ऑफ फोर साइट, सोचा नहीं था वो जाएगा। एक और हेल्म ब्रेकर की तैयारी, नाइस। अरे बाप रे, इससे बचना पड़ेगा। मुझे लगा मैंने अच्छा डॉज किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर से मारने वा। बहुत ही बुरा स्प्रे था वो। बढ़िया, हेल्म ब्रेकर की कोशिश, और ये पंख भी टूटना चाहिए इस बार। पंख टूट चुका है, नाइस। फोर साइड कॉम्बो कंप्लीट। नाइस, जैसा कि सोच ही सकते हो मैं इसको एक बार फिर से वॉल बैंक करने वाला हूं। और ये तीन ज्यादा करीब नहीं है, लेकिन वॉल बैंक लग गया, नाइस। पूछ कर दूंगा मैं टेंडराइज, और इसी के साथ हेल्म ब्रेकर। फोर साइट, नाइस। एक बार शार्पन, एकदम नीचे से चला गया मैं उसकी पूंछ के। एक बार फिर से कुछ, अरे कैसे यार। पानी मारते टाइम ही उसके पूंछ को मैंने, ओके फिर से बच गया वो। की शक्ल को मैं अभी टेंडराइज करूंगा, शक्ल पर ग्रैब ही नहीं किया, बहुत सही। फिर से नहीं, नाइस। वाटर ब्लाइट अभी भी लगा है मेरे पे। और साइड, बहुत ही क्लोज था वो, एक कदम आगे होता तो वाटर ब्लाइट लग जाता मेरे को फिर से। फोर साइट, पूछ काट दी, नाइस। अब खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर से वो एग्रो खत्म कर चुका है, तो समझ ही सकते हो क्या करने वाला हूं मैं। वॉल बैंक, अब कोशिश रहेगी कि इसके सर को तोड़ू मैं। फूके फूके का एक और मटेरियल है वहां पर, बढ़िया टाइम पे पैरालाइज हुआ वो। एक्स्ट्रा डैमेज अच्छा था, स्टाइल से तलवार अंदर डाला है मैंने।
और एक और शाइनी मुझे मिल चुका है यहाँ पर। ये शाइनी भी मैं कर लूँगा कलेक्ट, ये शाइनी भी मैं कर लूँगा कलेक्ट, और शार्ट्स मुझे दो मिल चुके हैं, जिस चीज़ के लिए आया था मुझे वो मिल चुका है। बढ़िया फोरसाइट, कोई दिक्कत नहीं, भले ही एक बार वाटर ब्लाइट लग जाए। फोरसाइट से हेल्म ब्रेकर, नाइस। यार देख सकते हो नारगा गोगा का जो ट्रिपल आर्मर का जो स्किल पॉइंट है वो मुझे मिल रहा है। मेरी शार्पनेस जल्दी से कम नहीं हो रही है, वरना अभी के टाइम तक तो बहुत सारी शार्पनेस कम हो चुकी होती। पैरों पे वार, गिरा दिया मैंने इसको नीचे, हेडशॉट और फूके फूके खत्म। सर जैसे ही देख सकते हो सिर्फ एक ही बार मुझे शार्पन करना पड़ा इस पूरे हंट पे, जबकि मैंने बहुत सारे डैमेज दिए इसको। इनफैक्ट बहुत शार्पनेस कैसे घटता है ना मॉन्स्टर हंटर में, कि मॉन्स्टर के पार्ट को बस वेपन लगना चाहिए, और अगर वेपन लग गया तो शार्पनेस घटेगा ही घटेगा। तो जितनी बार मॉन्स्टर को तुम वेपन टच करवाते हो या फिर वेपन कितनी भी बार मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आता है उसी हिसाब से शार्पनेस लॉस होता है। तो इसका मतलब ये है ग्रेट स्वॉर्ड जो है उसके शार्पनेस बहुत धीरे धीरे लूज होएगा, क्योंकि हिट एंड रन वेपन है वो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मॉन्स्टर पे। जबकि लॉन्ग स्वॉर्ड या फिर डुअल ब्लेड्स जो है उनकी शार्पनेस बहुत जल्दी कम होती है। तो यहाँ पर नारगा कुगा का ट्रिपल आर्मर स्किल सेट सामने आता है कि जब भी वो स्किल इक्विप करो तो वेपन का शार्पनेस जो है बहुत धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो यार वो था पुके पुके का क्वेस्ट, अब क्राफ्ट करना है पुके पुके का आर्मर, खास करके वेस्ट पीस। हैवी आर्टिलरी जरूरत ज़्यादा है नहीं। ड्रॉ मेंटेनेंस ज्वेल, ड्रॉ ज्वेल यूजुअली ग्रेट स्वॉर्ड के उसमें काम आता है, तो इसको मैं ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस दूंगा नहीं। जब नया ग्रेट स्वॉर्ड वगैरह क्राफ्ट करूँगा तभी इसका सबसे ज़्यादा यूसेज रहेगा। तो यार चलो चलते हैं स्मिथी के पास और देखते हैं अपना पुके पुके आर्मर तैयार है कि नहीं। फोर्ज इक्विपमेंट आर्मर अपने को चाहिए था, पार्ट ब्रेकर, और यहां पर देख सकते हो पुके पुके के कोरल पुके पुके के आर्मर में मेरे को मिल रहा है 1 पॉइंट ऑफ पार्ट ब्रेकर। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्राफ्ट और मैं इसको कर लूँगा इक्विप, नाइस। और बोन में ऑलरेडी हेल्थ बूस्ट और एक पार्ट ब्रेकर है, तो देख ही सकते हो दोबारा से अभी देखना मतलब कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा ये सेट। सेट डेकोरेशंस में जाऊँगा और अभी देख सकते हो कि यार अपने पास ईविड विंडो 4 है, बहुत ही अच्छा लेवल है ईविड विंडो 4, मतलब ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ को मैं ईवेड कर सकता हूँ अगर टाइमिंग अच्छी रही तो। हेल्थ बूस्ट 3 है जो कि ऑप्टिमाइज्ड है बिल्कुल, पैलिको रैली 3 है, क्रिटिकल आई लेवल 2 है जो एफिनिटी मेरे को 10% देता है वेपन पे, लेवल 2 पार्ट ब्रेकर है मेरे पास, स्टैमिना सर्ज है मेरे पास, इसका मतलब है कि मैं इंसेट लेव यूज़ करने के काबिल हूँ अभी, क्योंकि रिकवरी स्पीड +20% है। एक और स्टैमिना सर्ज का ज्वेल मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाए। ईयर प्लग्स हो ना हो एक ही बात है, वाटर अटैक, स्टैमिना थीव, फ्री मील है मेरे पास, इसका मतलब यह है कि चांसेस है कि अगर मैं कोई भी पोशन वगैरह कंज्यूम करता हूँ तो वो काउंट नहीं होगा। क्लिफ हैंगर, क्लच क्लॉ बूस्ट जो कि अपने को चार्म से मिल रहा है, तो यार बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज सेट है ये, और देख सकते हो आर्मर का ड्रिप भी कितना ज़्यादा है, वो अलग चीज़ है, थोड़ी बहुत क्लिपिंग हो रही है यहाँ पे, बट ठीक है। सबसे पहले अभी चलना है स्कॉर्चिंग ब्लेड पे, लेकिन इससे पहले मैं कर लूँगा कुछ डेकोरेशंस वगैरह सेट। ड्रेन इवेजन है मेरे पास, तो मेरे को ईवेड विंडो लेवल 5 मिल जाएगा और स्टैमिना 3 लेवल 2 मिल जाएगा। देखता हूँ मेरे पास स्टैमिना के लिए कुछ और है कि नहीं।
देखकर लगता नहीं है, सिर्फ स्टैमिना थीफ ही है मेरे पास। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी से काम चला लेंगे। तो यार मैं सोच रहा हूँ ड्रेन इवेजन अभी उठाकर चलूँ, क्योंकि ईविड विंडो वो मेरे को फुल दे देगा। जैसा कि देख सकते हो ईविड विंडो लेवल 5 आ चुका है, राइट। स्टैमिना सर्च का कोई ज्वेल अभी तक मिला नहीं है, तो उसको मैं इग्नोर करूँगा। और एक और चीज़, क्योंकि हेलमेट का डिफेंस मेरा कम है, मैं क्या करूँगा, अपग्रेड में जाऊँगा और हेलमेट का जो डिफेंस है अपना वो मैं कर दूँगा इनक्रीज। मैक्स डिफेंस हेलमेट में अभी मिल चुका है मेरे को 122, जो कि बहुत अच्छा डिफेंस तो नहीं है कंसिडरिंग कि मेरे को 150 लेवल के बेस डिफेंस वाले भी आर्मर मिल चुके हैं, लेकिन अपने स्किल्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो असाइन में जाएंगे द स्कॉर्चिंग ब्लेड। अब ये ग्लैविनस क्या बोला है वो मेरे को चेक करना है। तो यार इससे पहले कि कुछ हो, नया क्वेस्ट है, नया मॉन्स्टर है, तो एज़ यूजुअल मैं पहले मील करके जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे मॉन्स्टर से मिलूं जो हाफ हेल्थ में मेरे को वन शॉट कर दे। तो यार डिपार्चर विंडो खुल चुका है, तो चल लेते हैं क्वेस्ट पे। शार्प टेल, क्या मतलब शार्प टेल? एक नया पिंक कलर का मेरे को खरगोश दिख रहा है वहां पे सामने, तो नया खरगोश है तो तुम समझ ही सकते हो मैं क्या करूंगा। पकड़ लूंगा इसको, धर दिया मैंने। पायलट हेयर है इसका नाम, इसको भी पकड़ लूंगा मैं। तीन पंजों का निशान है। तो ये ग्लैविनस के ही फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। कुछ चींटियां भी पकड़ लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। ओ पकड़ सकते हैं, नाइस। एक और ग्लैविनस का फुटप्रिंट। ये लाश पक्के से ग्लैविनस नहीं छोड़ा होगा। तो यार उठा चुके हैं स्काउट फ्लाइज मॉन्स्टर का सेंट, और इससे पहले मैं थोड़े बहुत स्लीप हर्ब्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि बाद में झिझक ना होनी पड़े, पता चला ग्लैविनस मर गया। अगर मैं मार पाऊँ तो पता चला ग्लैविनस मरा और उसको कैप्चर करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। एक और ग्लैविनस का फुटप्रिंट। यस यस यस, आ चुके हैं मॉन्स्टर के नए अड्डे पे। डिस्कवर करेंगे क्या मॉन्स्टर है क्या नहीं। ये तो रैथियन है, और ऐसा लग रहा है रैथियन थोड़ा घायल है, पंख वगैरह इसके कटे हुए हैं, और रैथियन कमजोर है, इसको मारना आसान होगा। आजा आजा। ओ, 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 बस बस यार हो गया। मैं कर रहा हूँ गेम अनइंस्टॉल, नहीं होगा मेरे से। बहुत ही बुरा जंप स्केयर था वो। क्या है ये, इससे कैसे लड़ूंगा मैं? इसकी इसकी पूंछ में ही ब्लेड लगी हुई है, और ये पूरा डायनासोर आधे मेटल से बना हुआ है। तो यार ये है ग्लैविनस। बस यार बस हो गया, नहीं खेलना मेरे को। और अब नहीं सहा जाता। और एक तो इसके पूंछ में ब्लेड है और वो उस ब्लेड को गर्म कर सकता है, इस चीज की कोई सेंस नहीं बनती।
और ये दांत से अपने ब्लेड को शार्प करता है। ना 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 ना, भागना ही सबसे बेस्ट तरीका है अभी, क्योंकि इतने छोटे से एरिया के अंदर मुझे नहीं लगता मैं लड़ पाऊंगा। थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए, पहले इसको ओपन में लेकर आता हूँ मैं। ओ, उसने इग्नोर किया मेरे को, लगता है अब यहीं से इसको इसके साथ लड़ना पड़ेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे। अरे बाप रे यार, मुझे इसकी पूंछ चाहिए, और जिस तरीके से देखकर लग रहा है कि इसके पूंछ में, भाई साहब, कि उसके पूंछ को अगर मैं काट दूं तो ग्रेट स्वॉर्ड के लिए मटेरियल मिल सकता है। एक तो गरम पूंछ है इसकी, इसको मैं टेंडराइज करने की कोशिश करूंगा। ओ भाई, बहुत ही पूरा डैमेज था वो, और ऑलमोस्ट एक इंच से बचा मैं, ऑलमोस्ट वन शॉट था मैं उधर पे। फोरसाइट के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। मुझे समझ नहीं आया वो मैंने कैसे किया, क्यों हुआ वो। फोरसाइट, नाइस। फोरसाइट, कॉम्बो कंप्लीट, नाइस। रो रहा चुका था उसका। तो यार इसकी पूंछ में फायर डैमेज भी होता है, लेकिन एक कहावत सुनी होगी तुमने कि लोहे पर हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब वो गर्म हो, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब जब वो अपने पूंछ को शार्प कर रहा हो, इसका मतलब अपने पूंछ को उसने मुंह पे ले रखा हो और गर्म कर ही रहा हो, अगर मैं उसी टाइम उसको अटैक करूँ तो शायद मैं उसकी पूंछ काट सकता हूँ। कोशिश करूंगा वॉल बैंक की, लगता नहीं है वॉल बैंक दे पाऊंगा, हटाओ इसको। एग्रो हो चुका है वो, पास आने देते हैं। अगर सवारी मिल जाए इसके ऊपर तो और भी अच्छी बात है। नाइस, इसका पूंछ गर्म नहीं है तो कोशिश करूंगा इसके सर पर ही अटैक करने के लिए फिलहाल। तो ये भी अंजनाथ की तरह लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है, और ये बैरोथ की तरह लड़खड़ाता नहीं है जब भी ये किसी पत्थर को तोड़े। सर को मैं कर दूंगा टेंडराइज। दूसरा पैर का टेंडराइज जा चुका है, तो उसको भी मैं जल्दी से टेंडराइज कर देता हूँ। हेल्म ब्रेकर की तैयारी, सही टाइम नहीं था। हेल्म ब्रेकर, नहीं 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 नहीं, बहुत ही इंच इंच से बचा मैं। इस बार पड़ गई। ओह यार, ये तो चीटिंग है। मेरी हेल्थ की धज्जियां उड़ा दी इसने, और अभी मुंह से आग फेंक रहा है। बस यार, बस और नहीं होता मुझसे। थोड़ा दूर जाऊंगा, डिस्टेंस लूंगा, पहले तो खुद को हील करूंगा मैं।
अच्छा वो फोरसाइट कर दिया मैंने, पूछ गरम है। फोरसाइट लग क्यों नहीं रहा? अभी लगा, नाइस। बहुत ही अच्छा ईवी टाइमिंग था वो, नाइस। बहुत जल्दी मैंने फोरसाइट लगा दिया यहां पर, एंटिसिपेशन सही नहीं था। अरे यार, बहुत ही बुरा पिटा मैं इससे। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसकी पूंछ को टेंडराइज फिर से कोशिश करूंगा करने की। अरे क्यों पकड़ क्यों नहीं रहा, नाइस। स्लिंगर बॉम्ब मिल चुका है तो इससे एक बार इसको स्टन करूंगा और लग जा। खैर कोई दिक्कत नहीं, ग्लेविनस को तो कैप्चर ही करना है और डियाब्लोस आ चुका है यहां पर। टर्फ और हो रहा है दोनों के बीच में, और यार देख सकते हो ग्लेविनस के अटैक पड़ने के बाद भी मेरे पर पोटेंट है, कुछ ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर है ये। पटक पटक उसको, नाइस। कुछ शाइनीज भी यहां पर ड्रॉप हुए हैं, उनको मैं उठा लेता हूं। बस्कर भाई कितना दहाड़ेगा, चलते ग्लेविनस के पीछे। लॉन्ग सोर्ड, पता नहीं ग्लेविनस के खिलाफ अच्छा मैचअप है कि नहीं। खैर मुझे लग रहा है अच्छा मैचअप है क्योंकि पता नहीं यार, लॉन्ग शॉट यूजुअली किसी भी मॉन्स्टर के लिए अच्छा मैचअप रहता है। मैंने पूंछ काट दी क्या? नहीं। अरे यार फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, बढ़िया डॉज था वो। नहीं 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 नहीं, स्पिरिट गेज फुल नहीं था फिर भी मैंने फोरसाइट इसी से मैं कॉम्बो कंप्लीट कर लेता हूं। इसके पैरों को मैं मारूंगा, पैर टेंडराइज हुए नहीं अभी तक। शरीर टेंडराइज हो गया, पैर टेंडराइज नहीं हुए। पहला पैर टेंडराइज, दूसरा पैर टेंडराइज, अगर मैं वहां पर उसको टच कर देता तो मेरे को एक स्टन मिल सकता था। फोरसाइट फिर से, फिर से फोरसाइट,
बहुत ही बुरा बुरा अटैक था वो, और मैं फोरसाइट कर ही दिया था, लेकिन हुआ ये कि मेरा जो वेपन है वो उससे बाउंस हो गया। इसकी इवेजन टैक्टिक्स बहुत खतरनाक है, इसके मूवसेट को एक बार समझने में टाइम लगेगा मुझे। चलो यार, एक चीज़ तो पता चल गई, ग्लैविनस के लिए हमेशा वाइट शार्पनेस रहना ज़रूरी है, नहीं तो वेपन बहुत ज़्यादा बाउंस करता है। तो हो सकता है कि ग्लैविनस के लिए ग्रेट स्वॉर्ड बहुत अच्छा मैचअप रहे, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। मुझको एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ टेंडर राइट। या फिर इनसे ग्लेब भी एक अच्छा मैचअप रह सकता है, ताकि मैं सिर्फ पूंछ को टारगेट कर सकूं। ओहो नाइस नाइस, पूंछ को दूंगा मैं डैमेज। एक हेल्म ब्रेकर प्लीज। नाइस, पूछ कटी नहीं इसकी अभी तक, पता नहीं क्यों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछ रहे तभी कट पाएगी जब इसका पूछ गर्म हो। गुस्सा आ चुका है इसको। नाइस, वो मूव समझ गया था मैं कि फिर से वो वही करने वाला है। ओके, इसका आफ्टर शॉक भी रहता है इसके क्या कहते हैं इसके फायर अटैक का। खुद को कर लूंगा हील ऑलमोस्ट। बहुत ही अच्छा फोरसाइट। अरे यार नहीं, बहुत ही छोटे एरिया पे मैं कॉर्नर हो चुका हूं यहां पे, और कोशिश करूंगा थोड़े बड़े एरिया पे जाने का। एक और बार पैरालिसिस आ जाए बस, नहीं आया। एक बार वॉल बैंक देना पड़ेगा इसको, ताकि कुछ अच्छे डैमेजेस दे सकूं मैं इसके इसको पूंछ पे। ओके, इसकी पूंछ की शार्पनेस भी ख़त्म हो चुकी है, और मैं अभी पानी में हूँ, और ऐसा लग रहा है कि पानी शायद उसकी कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन जिस एरिया में अभी हूँ उस एरिया में लगता नहीं है कि मेरी मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बढ़िया फोरसाइट। पैरों को कर दिया टेंडराइज।
कोई दिक्कत नहीं। ओहो बढ़िया मौका मिला था लेकिन पूंछ पर वार नहीं कर पाया। अभी फिर से कोशिश करूंगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, स्पिरिट गेज फुल हो चुका है। बढ़िया एक और सवारी मिल चुकी है। ऑफ कोर्स लंबी लंबी छलांगे। बहुत ही दूर फेंक दिया उसने मेरे को। तो मैं पूंछ पे दे मारूंगा इसके स्पिरिट स्टॉर्म। नाइस पूंछ अभी भी टेंडराइज है। जल्दी से जल्दी अपना हेल्म ब्रेकर ले आता हूं। ओहो फिर से इसको गुस्सा आ चुका है। हेल्म ब्रेकर अरे यार पूंछ को मैं फिर से कर दूंगा टेंडराइज। इसकी पूंछ बहुत ज्यादा हार्ड है, कट ही नहीं रही। पूरी टाइमिंग। बढ़िया सही टाइमिंग है इसके पूंछ पे वार करने का। तो दे देता हूँ जल्दी से एक हेल्म ब्रेकर होपफुली। ओके अरे भाई ये मूव टोटली आउट ऑफ द एनीमे था। पूरा एनीमे मूव था वो। पूंछ कटी और पूंछ घूम घूम के देख सकते हो यार किस तरीके से जमीन पे गिरी है। अब अगर इससे स्टाइलिश कुछ और मिल जाए तो मुझे बताओ कमेंट पे। मुझे नहीं लगता इससे बेटर और कुछ आएगा। पूरे गेम में किसी की पूंछ इससे बेटर नहीं कटेगी। आई मीन इन जनरल भी अगर क्या कहते हैं किसी भी गेम में काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक होते हैं और ये वन ऑफ द ऐसा मूव था। हेल्म ब्रेकर जैसे ही मैंने मारा उसकी पूंछ कटी और पूंछ घूम करके एकदम ज़मीन पे गड़ी। बहुत ही बढ़िया मूव। तो खुद को कर लेता हूँ मैं हील पहले। तो अरे भाग क्यों रहा है भाई फिर से। एक बार फिर से ही टेंडराइज कर देता हूं। फिर से नहीं। ग्लेविनस थक चुका है तो इसको मैं दे दूंगा वॉल बैंक। नाइस करूंगा इसके सर पे अटैक। ये पूंछ तो कट चुकी है। बढ़िया सर को भी कर देता हूं मैं टेंडराइज। तो यार ग्लेविनस हो चुका है कमजोर। देखते हैं अपने पास ट्रैप टूल्स है कि नहीं।
ट्रैंक बॉम्ब्स है मेरे पास, देखता हूँ ट्रैप टूल्स क्राफ्ट करने के लिए कुछ हो कि नहीं। क्राफ्टिंग लिस्ट में जाऊँगा, शॉक ट्रैप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बस पास वाले कैंप में चलता हूँ और नए शॉक ट्रैप लेकर आ जाता हूँ। यार बहुत ही मज़ेदार लड़ाई थी वो अभी, खासकर वो पूंछ कटने का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक था। आइटम बॉक्स में जाऊंगा और देखता हूँ, पिटफॉल ट्रैप ही यूज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कैप्चर करने के यूजुअली क्या, कैप्चर करने का एक ही तरीका है कि ट्रैप डालो, भले ही कोई भी ट्रैप हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रैप डालो और ट्रैंक बॉम्ब दो डाल दो, बस हो गया मॉन्स्टर कैप्चर। कभी कभी तीन ट्रैंक बॉम्ब्स भी डालने पड़ सकते किसी किसी केसेस में, लेकिन मैंने अब तक तो ऐसा केस देखा नहीं कि तीन ट्रैंक बॉम्ब कभी कभी डालना पड़े। तो यार चलते हैं, यहाँ पर पिटफॉल ट्रैप है और यहाँ पर है ट्रैंक बॉम्ब्स। तो सबसे पहले तो मैं पिटफॉल ट्रैप डालूंगा क्योंकि उसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जाऊँगा एकदम सर के क्लोज इसके, और ग्लैमिनस हो चुका है कैप्चर। थोड़ा डिजाइन देखते हैं यार ग्लैमिनस का, जैसा कि देख ही सकते हो, देखकर शुरू में लग रहा होगा कि टीरेक्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है ग्लैमिनस, लेकिन टीरेक्स, अरे यार क्वेस्ट खत्म हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। एस्टेरा में जा करके जहां पर कैप्चर मॉन्स्टर रखे हुए होते हैं वहां पर जाके एक बार इसको ऑब्जर्व करेंगे क्या है क्या नहीं। ट्वेंटी थ्री मिनट्स लगे हैं इसको मारने के लिए, तो सोच ही सकते हो कितना खतरनाक मॉन्स्टर होगा ये। नया ऑप्शनल क्वेस्ट भी खुल चुका है ग्लैवेनस का। खैर इनको शायद कुछ नया मिला है, एक नया एंजनाथ जो कि फ्रोजन है। मुझे लगा था ग्लैवेनस रहेगा। Belkan is a formidable creature and is having an incredible effect on other life in the new world. As commander, I'd like to assess the situation with my own eyes. But resources are running scarce. Our duty is to research the ecosystem and maintain balance with it. However, if the entire new world freezes over, that would mean... Evacuation. Hey, aren't we part of the ecosystem too? Chief. Maybe it's because I was born here, but that's how I see it. By the look on everyone's face, I'm sure you all feel the same way. You've seen how these monsters fight each other. They're out there fighting tooth and nail. It's survival of the fittest. I'm a product of the new world, and I won't leave it behind. If you all feel the same way, then fight for this world. I can't leave yet. Not when there's work to be done. Same here. I got some unfinished business. Then let's fight as part of this ecosystem. As hunters of the new world! We got this. I need to prep at Celiano. Stay here and hold down the fort. चीफ के डायलॉग समझ आते हैं लेकिन अपनी हैंडलर के डायलॉग मुझे समझ नहीं आते। तो कमांडर कहते हैं, I'm at peace with my decision to live out the rest of my days here. After all, these years with the commission, I've forgotten the struggle of survival.
applies to us as much as any monster. I won't lose sight of that again. Okay. Now, there's something I want to talk to you about. Our team in the Rotten Wheel and Elder Rhesus have spotted a Tigress and a Brachydeus. And judging from the tracks we have seen, Vel'Koz is heading for one of those locals as well. Vel'Koz's approach must have provoked them somehow and lured them out of their usual habitats. You can do this. Let's focus on these two for now. But I still need you to keep looking for traces of Vel'Koz. Along the way, we need to pinpoint its exact location. Now we just need to track down that T-Grex and Brachydeus. तो यार दो नए मॉन्स्टर आए हैं, इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं क्या है. तो चलेंगे क्वेस्ट पे. असाइन में दो नए मॉन्स्टर है, एब्सोल्यूट पावर और स्मैशिंग क्रॉस काउंटर, एल्डर सीसेस और रॉटन वेल. हाँ, इनको चेकआउट करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले मैं क्या करूँगा ना, जाऊँगा स्मिथी के पास और देखेंगे उसके पास क्या है अपने को ऑफर करने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने ग्लैवेनस जो हंट किया है. आर्मर में देखता हूँ क्या है. तो ग्लैवेनस आर्मर देख सकते हो यहाँ पर. फोकस है, हैंडीक्राफ्ट है, पावर प्रोलॉन्गर है, मैक्सिमम माइट है और हैंडीक्राफ्ट लेवल 2 है. तो हैंडीक्राफ्ट भी बेसिकली जो अपनी शार्पनेस है उसको बढ़ा देता है. तो एक बार देखते हैं कि ग्लैवेनस का, अरे ग्लैवेनस का सेट क्या है. ग्लैवेनस एसेंस में मिलता है, रेजेस द मैक्सिमम लेवल ऑफ मैक्सिमम माइट. ठीक है, ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है वैसे. वाइल एक्टिव इंक्रीज द एफिनिटी बाई 40%. हैंडीक्राफ्ट वेपन शार्पनेस प्लस 30. खैर मुझे नहीं लगता इसकी अभी ज़रूरत है. वाइवेरियन में देखते हैं क्या है. मशरूम एंसर सर्वाइवल एक्सपर्ट, नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन यार ग्लैवेनस का जो सेट है, अगर मैं इसको प्रीव्यू पे लगाऊं तो देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक सेट है ग्लैवेनस का. नार्गकुगा का ठीक है, एक निंजा लग रहा है, लेकिन ग्लैवेनस तो एक अलग ही दुनिया का आर्मर है वो. खैर दिखने में अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका आर्मर मैं अभी क्राफ्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ स्किल है नहीं जो मेरे प्ले स्टाइल को सूट करे. अगर तुम्हारे प्ले स्टाइल को ये स्किल सूट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. फोकस लेवल 2 मुझे मिल रहा है हेलमेट पे, जो कि हेल्प करेगा ग्रेट स्वॉर्ड पे, तो ये मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ कभी तो कभी. फोकस और हैंडीक्राफ्ट खैर वो छोड़ते हैं, देखते ग्लैवेनस के वेपन्स में क्या क्या है. ग्रेट स्वॉर्ड में जाकर देखूँगा, ट्री में देखूँगा मैं. और मॉन्स्टर का नाम नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा ग्लैवेनस ट्री कहाँ पर है. बैरोथ, रेडोबैन, किरीन, किरीन ट्री. अब ये कैसा मॉन्स्टर है. खैर जो भी है, डेविल जो लुनास्ट्रा वर्कशॉप, हाँ ड्रैगन बॉर्न. ग्लैवेनस ट्री यहाँ पर देख सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखने वाला तलवार है ये ग्लैवेनस ट्री में. तो अगर मैं ग्रेट गीरोस का यहाँ से क्राफ्ट करना शुरू करूँ, उसके बाद लवासियोत की दो तलवार क्राफ्ट करूँ, तभी जाके मैं ग्लैवेनस के यहाँ तक अनलॉक कर पाऊँगा. खैर ये तो हो गया ग्लैवेनस की तलवार. और भी कुछ देख लेते हैं. ग्लैवेनस का चार्ज ब्लेड देखता हूँ कैसा है, क्योंकि फायर अटैक वाला ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास. एक बार लॉन्ग स्वॉर्ड भी देख ही लेता हूँ ग्लैवेनस का कैसा रहेगा. ग्लैवेनस ट्री तो यार यहाँ पर मुझे मिलता है 759 रॉ डैमेज और 240 फायर डैमेज. बुरा नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है. तो मेरे को जो लग रहा है ग्लैवेनस का, मैं कभी ना कभी तो ग्रेट स्वॉर्ड क्राफ्ट करना चाहूँगा, और देखते हैं उसके लिए आइटम्स क्या क्या चाहिए. लेकिन उसको अपग्रेड में ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए ग्रेट गीरोस के आइटम. तो शायद से लो रैंक
या फिर हाई रैंक ग्रेड गिरे उसको मुझे हंट करने पड़ेंगे। खैर उसको बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखते हैं लो रैंक या फिर इस पे। ओके लो रैंक, ओके ये चीज़ के बारे में मैंने कभी बताया नहीं है, बट स्पेशल असाइनमेंट कभी कभी अपने को असाइन होते हैं ताकि कोई भी अगर नया मॉन्स्टर मिल सके तो। स्पेशल असाइनमेंट मैं जाकर देखूंगा। पैंडोरास अरीना है, विजिटर फ्रॉम अदर वर्ल्ड है और ब्लेजिंग सन है। ब्लेजिंग सन तो कंप्लीट कर चुके हैं और पैंडोरास अरीना कंप्लीट नहीं किया है, और पैंडोरास अरीना 8 लेवल का क्वेस्ट है तो इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। कोशिश करेंगे कि इस बार ये कंप्लीट हो सके। वेपन चेंज कर लूँगा मैं यहाँ पे, बहुत टाइम हो गया है मैंने इंसेक्ट ग्लेव यूज़ नहीं किया। तो ये रेयरिटी 6 इंसेक्ट ग्लेव और ये रेयरिटी 7 है। रेयरिटी 7 ही लेकर चलता हूँ मैं, क्योंकि आई मीन ऑफकोर्स रेयरिटी 6 का डैमेज कम है, रेयरिटी 7 का डैमेज ज़्यादा है। और इन स्किन सेट जो है अपना, उसको भी मैंने अपग्रेड नहीं किया, तो उसको भी थोड़ी देर में मैं अपग्रेड करूँगा, खासकर इस वाले हंट के बाद। This is unsettling, to say the least. Proceed carefully. अगर कमांडर बोल रहा है प्रोसीड केयरफुली तो ज़रूर खतरा है। तो कर लेता हूँ मैं सबसे पहले मील, थोड़ा सा अटैक बूस्ट भी मिला है मील के बाद, देखते हैं कितना काम आता है। तो टेओस्ट्रा यहाँ पर बैठा हुआ है। स्मिथी ने शायद इसके बारे में पिछले एपिसोड्स में बताया था कि टेओस्ट्रा पकड़ा है उन्होंने। अरे नरगी गांटे भी मौजूद है, अब इन दोनों के बीच शायद टर्फ वॉर होएगा। ये क्या है, एक और टेओस्ट्रा? नहीं नहीं, ये है लुनास्ट्रा, टेओस्ट्रा की क्वीन। तो यार किंग और क्वीन दोनों एक ही अरीना में मौजूद है और वो शायद बजाने वाले हैं नरगी गांटे की। बस ये ना हो कि मुझे दोनों से एक साथ लड़ना पड़े, क्योंकि वो मैं नहीं कर पा। अरे बाप रे, इसका फायर डैमेज बहुत ज्यादा है। ओके टेओस्ट्रा निकल चुका है यहां से। ये कैसे डैमेज है भाई, पहला टेंडराइज मिलता है। और क्योंकि इसके पास ब्लू फ्लेम्स है तो मुझे लगता है इसका जो डैमेज है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। दूसरा पंख भी कर लेता हूँ मैं टेंडराइज। अरे यार ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और इसके ब्लू फ्लेम्स जल्दी से बुझ भी नहीं रहे। वॉल बैंक देने की कोशिश करूंगा इसको मैं। नाइस नाइस, बढ़िया। बहुत सही, एक सवारी मिल चुकी है। जल्दी से पकड़ लेता हूं। नाइस, इसको सर पे ही वार करना सही रहेगा, कुछ भी हो।
ये भले ही हाई रैंक का मॉन्स्टर है लेकिन मास्टर रैंक में भी मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। बुरा था वो। टेल स्वाइप थी। ये कैसे हुआ? बहुत ही वाहियात अटैक था जो कि मुझे समझ नहीं आया। गलत टाइम पे मैंने पत्थर गिरा दिए। उसको एकदम सेंटर पे ही रुकना था। नासा थक चुकी है। हेडशॉट। एक और सवारी। शेरनी पागल होती जा रही है यहाँ पे। अच्छी बात है टेगोस्ट्रा नहीं है यहाँ पे, वरना कब का खत्म हो चुका होता मैं। एक हेडशॉट तो देना बनता है। नाइस। पर ये हो चुकी है एग्रो अभी। और ये बस कहीं पर टच भी कर दे तो ब्लू फ्लेम्स आने लग जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्योंकि बहुत ही पैसिव टाइप का डैमेज जाता है इससे। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। बहुत ही बुरा डैमेज था वो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके डैमेज के हिसाब से लूनास्ट्रा जो है हाई रैंकिंग की मॉन्स्टर लग नहीं रही, मेरे को मास्टर रैंकिंग की मॉन्स्टर लग रही है। ये हाई रैंकिंग के मॉन्स्टर का इतना ज़्यादा डैमेज रहता नहीं है कि वन शॉट कर दे। बहुत बुरी पड़ी। एक और बार। एक और सवारी चाहिए मुझे। ये कैसा हुआ? बढ़िया, एक और सवारी मिल चुकी है। यार इंसेक्ट ग्लेव की यही चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कोई भी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो तो उसको बार बार एयर डैमेज देके उस पे सवार हो जाओ। और एक बार सवार हो गए तुम एयर पे तो उसको डैमेज दोगे ही, लेकिन एक बार वो नीचे उतर जाए तो और भी ज्यादा डैमेज दे सकते हो। अच्छा तो इसको सिर्फ भगाना था, रिपेल लूनास्ट्रा, इसको मारना नहीं था। खैर चलो यार, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हंट काफी मुश्किल था। काफी अनोइंग अटैक्स थे इसके। इसने ऑलमोस्ट पूरे अरीना को ही आग में लगा दिया था, और जिससे मुझे पैसिव डैमेज बहुत ज़्यादा आ रहा था। और इस टाइप का डैमेज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। और इसी चीज़ के लिए मैं क्राफ्ट कर रहा हूँ एक ऐसा इंसेक्ट ग्लेव जो पॉइजनस हो, ताकि मैं भी पैसिव डैमेज दे सकूँ। क्योंकि मॉन्स्टर हंटर का एक पैटर्न मैंने ये देखा है कि पैसिव डैमेज सिर्फ पॉइजन पे ही जाता है, और बाकी भले ही मॉन्स्टर फायर में पैसिव डैमेज दे सकता हो, लेकिन मैं अगर फायरी वेपन लूँ तो उसमें पैसिव डैमेज जैसा कुछ रहेगा नहीं। तो यार वही है,
इसके बाद जाऊंगा मैं मास्टर रैंक के एक दो पुके पुके को हंट करूंगा, और उसके बाद पुके पुके का मैं क्राफ्ट करूंगा डटूरा स्टॉर्म। लुनास्ट्रा विंग वगैरह मिल चुके हैं, चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा मिला। डिजाइन लुनास्ट्रा का एकदम सेम है, बस ब्लू टियोस्ट्रा है। और जैसा कि देख सकते हो यार, लुनास्ट्रा का जो डिज़ाइन था, डिज़ाइन नहीं, लुनास्ट्रा की जो इकोलॉजी थी वो कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा चेस से इंस्पायर्ड है। चेस में क्वीन यूजुअली ज़्यादा मूवसेट वाली होती है किंग से, तो लुनास्ट्रा भी वैसे ही एकदम थी। तो अभी क्या करना है मेरे को, हाँ अभी मुझे हंट करना है कुछ पूके पूके ताकि मैं अपना इंसेक्ट ग्लेव अपग्रेड कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा वर्कशॉप पे, और पूछूंगा स्मिथी से कि इंसेक्ट ग्लेव के लिए क्या क्या बचा है। अपग्रेड में जाऊंगा, देखते हैं। दतूरा ब्लेड को क्राफ्ट करने के लिए मुझे चाहिए पुके पुके श्राड 3 पीसेस, और एक बार वो हो जाए तो मुझे चाहिए रैथियन सर स्पाइक 2 पीसेस। ठीक है यार, तो चलो पहले पुके पुके को हंट करते हैं। मास्टर रैंक में देखता हूँ ऑप्शनल में पुके पुके है कि नहीं। देख सकते हो टेस्टर टूर्स है यहाँ पे, और स्पेशल अरीना में भी है पुके पुके, तो स्पेशल अरीना में ही मैं जाऊँगा और चेंज कर लूँगा अपना वेपन। स्टैंडर्ड LS लोड आउट उठाऊँगा और चल दूँगा पुके पुके के हंट पे। एज यूजुअल सबसे पहले मैं करूंगा मील, मुझे पुरानी मुझे वो दूसरी वाली हैंडलर का एक्सप्रेशन ज़्यादा सही लगता था मील खिलाने के बाद, क्योंकि एक नर्वसनेस रहती थी उसके शक्ल पे, और जैसे ही हंटर को मील अच्छा लगता था अचानक से खुश हो जाती थी। बट खैर, तो यार पुके पुके यहाँ पर मौजूद है और जल्दी से इसको हंट करते हैं, होपफुली कुछ अच्छे श्राड्स पीसेस मिल जाए। बहुत अच्छे, पहला पंख, हेड को भी टेंडराइज करूंगा। दूसरे विंग को भी टेंडराइज कर दूंगा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अरे एक और वॉल बैंक मैं इसको दे सकता हूं। अरे फिर से, बुरी कोशिश थी वो। नाइस, तो यार सबसे पहले तो इसके पंखों की कटाई को करूंगा। ओहो बढ़िया टाइमिंग पे, मैं उम्मीद कर रहा था कि एक बार नाइस कहाँ था मैं, हाँ मैं उम्मीद कर रहा था कि उसके रोर से एक बार एक स्पिरिट गेज फुल हो जाए फोर साइट मार करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पंखों पे नाइस, पंख कट चुके इसके। जहरीला परिंदे का फोरसाइट नहीं लगा, ये
चलो यार हेल्म ब्रेकर की तैयारी। बहुत ही सही शॉट था वो, शार्पनेस कम हो चुकी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से हेल्म ब्रेकर की तैयारी, हेडशॉट की प्लानिंग थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओहो नाइस, हेडशॉट प्लीज, नाइस। पॉइजन से बार बार बचे। और ये हेल्म ब्रेकर की तैयारी, पूंछ कट चुकी है। तुमने देखा कि मैं लास्ट वाला जो शॉट था मैंने वो थोड़ा रुक कर लिया क्योंकि मुझे पता था अगर वो मुड़ता है तो पूंछ पे कॉम्बो कंप्लीट हो सकता है। फोर साइड, अरे यार फिर से नहीं। नाइस नाइस, हेडशॉट, चलो कोई दिक्कत नहीं। नीचे आते टाइम उसने रोर नहीं किया क्योंकि अगर नीचे आते टाइम वो अगर रोर करता तो मेरा स्पिरिट गेज, नहीं 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 नहीं, फोर साइड कॉम्बो कंप्लीट। एक और बार, बढ़िया शॉट, हेड को मैं कर दूंगा टेंडराइज फिर से। थोड़ा डिस्टेंस लूंगा और ये हेल्म ब्रेकर, यार वाइट डैमेज आया फिर से। तो देखता हूं मैं उसके पैरों पर, अरे नहीं हो पाया, खैर कोई दिक्कत नहीं। ओके, पैरों को भी टेंडराइज किया जा सकता है लेकिन बहुत ही केयरफुली वहां पर शॉट लगाना पड़ेगा। मेरी शार्पनेस कम हो चुकी है तो जल्दी से जाके मैं कर लेता हूँ शार्पन। पियर्सिंग पॉड आ चुका है, एक दो और ये फ्रिंच शॉट, नाइस। एकदम ही सर पे मारूंगा मैं इसके हेल्म ब्रेकर, नाइस। फोर साइड कॉम्बो कंप्लीट। बढ़िया शॉट, तो यार एकदम ही ड्रैगनेटर के सामने खड़ा है ये, तो चला लेता हूँ इसी टाइम। अरे नहीं नहीं, ओहो चल गई ड्रैगनेटर, नाइस। फूके पुके फेलविंग मिल चुका है और पुके पुके का लीश भी मिल जाएगा। अब बस ज़रूरत है पुके पुके के दो श्राड्स की, होपफुली क्वेस्ट रिवॉर्ड्स में वो मिल जाए। एक श्राड मिल चुका है, दो श्राड्स मिल चुके हैं, अब बस एक श्राड की जरूरत है। देखते हैं क्वेस्ट रिवॉर्ड्स में अपने को क्या मिलता है।
30 सेकंड और वेट करना पड़ेगा और 30 सेकंड के अंदर मैं कुछ पत्थर गिरा देता हूँ। तो चलो यार, पुके पुके का क्वेस्ट हो चुका है कंप्लीट। होपफुली अभी अगर मैं स्मिथी के पास जाता हूँ तो डटूरा ब्लेड का जो कि इंसेक्ट ग्लेव का नाम है, डटूरा ब्लेड, तो उसका एटलीस्ट एक लेवल मेरे को मिल जाए। वाइटैलिटी ज्वेल एक मिला है, काफ़ी अच्छा ज्वेल है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वाइटैलिटी प्लस कुछ और मिले जो कि 4-स्टार ज्वेल हो, जिसमें वाइटैलिटी के साथ एक और एक्स्ट्रा स्किल बढ़े। खैर, टीग्रेस ब्रैकिडियोस को बाद में देखेंगे, पहले चलेंगे इंसेक्ट ग्लेव की तरफ। अपग्रेड इक्विपमेंट और मैं जाऊंगा इंसेक्ट ग्लेव पे। और यार अपग्रेड अवेलेबल है, बहुत सही। अभी इक्विप मैं नहीं करूंगा। तो यार अभी मेरे को कलेक्ट करने हैं रैथियन सर स्पाइक। रैथियन सर स्पाइक, तो यार चलो रैथियन के हंट पे अभी निकल लेते हैं। और रैथियन का मैं हंट करूंगा उसी वाले, क्या कहते हैं, उसी वाले इंसेक्ट ग्लेव से। तो कर लेता हूँ मैं इसको इक्विप, सेट डेकोरेशंस, देखता हूँ अभी क्या क्या है। हेल्थ बूस्ट 3 है मेरे पास, ईवेड विंडो लेवल 1 है, पार्ट ब्रेकर नहीं है, पार्ट ब्रेकर के लिए देखता हूँ कुछ है कि नहीं, लगता तो नहीं है। फ्री मील है, लेटेंट पावर है, ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला मिले। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर पॉइजन का ज्वेल डाल सकता हूँ, वेनम ज्वेल, ताकि मेरे वेनम का अटैक जितना है उससे थोड़ा और बढ़ करके आए। और डबल वाले में भी वैसे तो कुछ है नहीं। फ्लाइट ज्वेल मैं यूज़ कर सकता हूँ ताकि मेरा एयरबॉर्न अटैक बढ़ जाए। और विंड रेजिस्टेंस में यूज़ करूँगा ताकि रैथियन के विंड प्रेशर से मेरे को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो चेंज इक्विपमेंट में जाऊँगा और एक ये भी लोड आउट सेव कर दूँगा और इसको मैं नाम दूँगा स्टैंडर्ड IG, यानी कि स्टैंडर्ड इंसेक्ट ग्लेव। तो यार चलो मास्टर रैंक रैथियंस की बैंड बजाते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल ही गया, इंसेक्ट क्लो जो अपना इंसेक्ट है इंसेक्ट ग्लेव का, उसको भी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। तो मैनेज के इंसेक्ट और नर्चर के इंसेक्ट में अगर मैं जाऊँगा, मटीरियल्स नहीं है मेरे पास उसको अपग्रेड करने के लिए। तो एक अपग्रेड के लिए मटेरियल नहीं है, लेकिन उसके आगे के लिए मटेरियल है। तो यार चलो उसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं रैथियन को मारने। पोस्ट न्यू क्वेस्ट ऑप्शनल। रैथियन कौन से लेवल पे है? ओके, फूल्स मेड, एंशिएंट फॉरेस्ट पे रैथियन अपने को मिल रही है। तो चलो उधर ही चलते हैं। होपफुली वहाँ पर रैथलॉस ना मिल जाए बस। देखते स्पेशल टूल्स में और क्या क्या अनलॉक हुए हैं। चेंज इक्विपमेंट में जाऊँगा। ओके, दो तरह के मैंटल्स इक्विप कर सकते हैं, तो दूसरा जो मैंटल है वो मैं यूज़ करूँगा, बैंडिट मैंटल। तो यार बैंडिट मैंटल के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली बैंडिट मैंटल पहन करके अगर मैं किसी को डैमेज देता हूँ, किसी भी मॉन्स्टर को, तो वो छोटे छोटे सिक्के गिराते हैं और उन सिक्कों को मैं बेच के और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो बहुत ही वियर्ड सा रीज़न है, लेकिन एक टाइम बाद गेम में जो करेंसी है वो बहुत मायने रखने लगती है, क्योंकि एक टाइम आता है जब अरे यार मुझे मील कर लेना चाहिए था, रैथियन यहीं पर है, पास में ही ये है, लेकिन अभी रेड गेज फुल है मिनी मैप में। तो कोशिश करूँगा इसके नाक के नीचे से निकल जाऊँगा मैं, और जल्दी से अपने इस वाले कैप में जाके मैं एक मील खा लूँगा। रैथियन सर्प स्पाइक जो है वो रैथियन के पूंछ से आता है, अगर तुमको याद होगा तो।
आई मीन सर स्पाइक जो है स्पेसिफिकली मास्टर रैंक का मटेरियल है, लेकिन अगर आइकन से देखा होगा तो वो पूंछ का आइकन बना हुआ था। तो राथियन लोकेशन चेंज कर चुका है और मैं चल दिया उसके पीछे, अभी वो फूके फूके की लोकेशन पे है। राथियन फिर से लोकेशन चेंज कर रहा है यार, ये क्या, क्यों है ऐसा। थोड़ा हनी ले लेता हूँ ताकि मेगा पोशंस वगैरह मेरे पास स्टॉक पे रहे। राथियन अपना पोजीशन लगातार चेंज कर रही है यार, और मैं उसको भगाते भगाते थक चुका हूँ। तो यार यहाँ पर है राथियन, नाइस। होपफुली फिर से पोजीशन ना चेंज कर दे वो, तो देख सकते हो। डॉज रोल नहीं कर पाया मैं, यहां पर छुप जाऊंगा। एक बार, अरे नहीं यार, फिर से नहीं। बढ़िया, वॉल बैंक का टाइम। तो राथियन की सर स्पाइक चाहिए तो पूंछ को तो टेंडराइज करना बनता ही है। तो यार सवार हो चुके हैं इसके ऊपर, चलो पूंछ को डैमेज देते हैं। वो भी नहीं चाहती कि मैं उसकी पूंछ को डैमेज दूं, तो लगी हुई है अपनी पूंछ को हिलाने में इस उम्मीद में कि मैं उसकी पूंछ को छोड़ दूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज मुझे इसकी पूंछ चाहिए किसी भी तरीके से। और देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये डैमेज नंबर्स मिले पूंछ पे, और भी ज़्यादा अच्छे डैमेज नंबर्स चाहिए मेरे को। देख सकते हो राथियन पर जहर का भी असर होने लगा है। अरे यार, एक और बार, बढ़िया वार था वो पूंछ पे। और क्योंकि अभी तक इसका एग्रो बढ़ा नहीं, अरे यार जब भी मैं इसके सर पे अटकता हूँ हमेशा उसका यही मूव निकलता है। नाइस, थैंक्स पिल्ले। डॉज रोल नहीं कर पाया मैं, तो यार थर्ड पावर अप भी मिल चुका है मेरे को। और जैसा कि देखा होगा, अभी तुमने अगर नोटिस किया होगा तो राथियन से एक बहुत ही अजीब सी दहाड़ निकली, बहुत ही अलग सी। तो इसका ये मतलब है कि उसने राथलोस को पुकार लगाई है और राथलोस इसके रेस्क्यू के लिए आ रहा है, तो चांसेस है कि दो मॉन्स्टर से एक साथ लड़ना पड़ेगा। तो यार मिनी मैप में भी देख सकते हो ऑलमोस्ट राथलोस पहुंच चुका है यहाँ पर पे। तो राथलोस के आने से पहले कितना पूछ पे डैमेज दे सकता हूँ मैं दूंगा।
मैं भाग क्यों रहा हूँ? हाँ मैं भाग इसलिए रहा हूँ क्योंकि रैथलॉस भी सामने ही है एकदम ही मेरे ऊपर। ये है रैथलॉस, देख ही सकते हो, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए मैं यहाँ से निकल लूँगा। तो रैथियन कहाँ पर है? पास में ही है, स्काउट फ्लाइज ने सेंट पकड़ भी लिया है। तो लो चलो यार चलते हैं रैथियन तक, होपफुली रैथलॉस पीछा करते हुए ना आए। तो यार मतलब एक स्ट्रीक पे हूँ मैं मॉन्स्टर्स के डिवोर्स करवाने में। पहले तो लुनास्ट्रा से लड़ा मैं और अभी रैथियन से लड़ रहा हूँ। पूंछ हो चुकी है टेंडराइज, पावर अप कलेक्ट कर लेता हूं और अभी मैं दूंगा पूंछ को। पूरा अच्छे से डैमेज लग नहीं पाया। देखता हूं मैं किनसेट को चार्ज कर पाता हूं कि नहीं। बढ़िया, किनसेट चार्ज हो चुका है। मुझे नहीं लगा था वो ऐसा कुछ करने वाली होगी, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पूंछ पे निशाना था लेकिन लगा नहीं। यार ये बहुत ही बुरा हमला था। नाइस, एक और सवारी मिल चुकी है। एक और बार नीचे गिराऊंगा, एक और बार इसकी पूंछ काटूंगा, एक और बार पूंछ काटूंगा नहीं, एक और बार पूंछ पे अच्छा सा डैमेज दूंगा। तो यार देख सकते हो जहर का असर भी हो रहा है मेरे पे, बहुत जल्दी जल्दी लाइफ कम हो रही है। होपफुली जहर का असर जल्दी से खत्म हो जाए। तो यार स्टन का टाइम आ चुका है और रैथियन नीचे, लेकिन एक दिक्कत है, इसके पूंछ का थोड़ा सा ही हिस्सा मौजूद है। और पूंछ काट दी मैंने, नाइस, थैंक्स माकड़ बिल्ले। मौका रहते ही इसके सर को मैं कर देता हूं टेंडराइज। एक और बार मैं इसको करूंगा वॉल बैंक। यार मैप में देख ही पा रहे होंगे रैथलॉस भी पहुंच ही चुका है ऑलमोस्ट। अरे बैनबेरो भी यहां पर है। तो इन दोनों को टर्फ वॉर करने दो यार, मैं लूट लूंगा तब तक रैथियन की पूछ। रैथियन सर स्पाइक मिल चुका है, नाइस। तो रैथियन भाग रही है यहां से, लेकिन इसका पीछा मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूं नहीं। रैथियन मटेरियल आसपास कहीं तो भी पड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा मुझे। ओके ये रहा। तो देख सकते हो बैनबेरो भी रैथियन के ही पीछे गया है। इनसे क्या मिलता है? ओके, इनसे रेड एक्सट्रैक्ट मिलता है जिसकी ज़रूरत तो थी नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर एप्टनॉथ को मैं किनसेक्ट मारता हूँ तो उनसे ग्रीन एक्सट्रैक्ट मिलता है जिससे हेल्थ वगैरह बढ़ जाती है। खैर एप्टनॉथ तो आसपास है नहीं, ये दो है तो इनकी लड़ाई देख लेते हैं पहले। ये मेरे पीछे क्यों आए? इन्होंने मेरे को इग्नोर क्यों नहीं किया? एक और बार,
बहुत ही खतरनाक मूव था वो। तो यार देख सकते हो राथियन को पॉइजन लग चुका है, और क्योंकि इसकी पूंछ काट दी थी मैंने, इसने वो बैकफ्लिप वाला अटैक मिस कर दिया मेरे पे। बढ़िया, बढ़िया डॉज था वो मिड एयर पे। खैर कोई दिक्कत नहीं, हेडशॉट पड़ी। टेंडराइज होते होते रह गया। हेडशॉट एकदम, और पार्ट ब्रेक भी मिल चुका है मुझे। तो यार देख सकते हो उसको पॉइजन डैमेज भी लगातार हो रहा है। तो यही रीजन था मैं एक ऐसा इंसेक्ट क्लेव बनाना चाहता था जिसमें हल्का सा चीज पॉइजन डैमेज रहे। रेड एक्सट्रैक्ट भी मिल चुका है। इसका एलिमेंट खत्म हो चुका है तो मैं शायद इसको एक वॉल बैंक दे सकता हूँ। एलिमेंट खत्म होने की वजह से नहीं, क्योंकि यूजुअली जब एग्रो भी खत्म हो जाता है तब एलिमेंट खत्म होने के चांसेस रहते हैं। तो दे चुका हूँ मैं उसको वॉल बैंक, और ये बढ़िया शॉट। रोर करने वाली थी लेकिन दो बार स्टन कर दिया मैंने। फिर से वो कर रही है लोकेशन चेंज, लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं उसका। रेशन की जरूरत नहीं थी वैसे, खैर कोई दिक्कत नहीं। अरे यार इसने रैथलोस को बुला लिया है फिर से वो भी। देख सकते हो यार रैथलोस भी इधर पे है, और मैं नहीं चाहता इन दोनों से मैं एक साथ लड़ूं। और ये बढ़िया शॉट था, एक बार सवार होने की फिर से कोशिश। इतनी ऊपर क्यों गई वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा वनी चाहिए, बढ़िया। रैथलोस साइड में ही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। अच्छी बात है कि वो पेड़ों के बीच में अटक चुका है। नहीं 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 उधर मत जाना प्लीज। तो रैथलोस ने अभी मुझे देख लिया है, और अभी बजेगी मेरी अच्छे से बैंड। ओके ये अच्छी चीज़ नहीं है। टैग टीमिंग करना अलाउड नहीं है मॉन्स्टर हंटर पे। वो अलग चीज़ है कि मल्टीप्लेयर लिटरली टैग टीमिंग ही रहती है, लेकिन अभी मल्टीप्लेयर नहीं हुआ है तो टैग टीमिंग मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार नहीं नहीं नहीं
रुक जाता हूँ मैं यहाँ पे। होपफुली मेरे छुपने से रैथलोस यहाँ से निकल जाए बस। अरे यार देख लिया इसने मुझे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो अच्छा एटलीस्ट ये लोग नीचे आए। इनसे दोनों से एक साथ लड़ना बेवकूफ़ी होगी, तो थोड़ा डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं। दोनों अभी तक एक ही अरीना में हैं, जा ही नहीं रहे या फिर जाने का नाम भी नहीं ले रहे। रैथियन इस तरफ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और इस तरफ आ जाए। दोनों को ही गिरा दिया मैंने, नाइस। रेड एक्सट्रैक्ट आ चुका है, डैमेज अभी बढ़ के आएगा। अरे बाप रे, अच्छा आइडिया नहीं था वो। तो यार चलो अच्छा, रैथियन निकल चुकी है। इसी पॉइंट पे मैं आइटम बॉक्स में जाके कुछ ट्रैप टूल्स भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि रैथियन जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। मैनेज आइटम्स, और मैं जाऊँगा अभी शॉक ट्रैप पे, नाइस। और चल लेते हैं, देखते हैं वो लोग कहाँ पर है। रैथलोस यहाँ पर है, तो रैथियन, ओके रैथियन यहाँ पर है। वो सबसे क्लोजेस्ट कैंप यहाँ पर कुछ है नहीं वैसे, तो चलो चल लेते हैं लॉन्गेस्ट वे की तरफ। लॉन्गेस्ट वे तो कह नहीं सकते, क्योंकि स्काउट फ्लाइज यूजुअली सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो चुनते हैं अपने लिए। अरे यार नीचे गिर गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। बैनबेरो पता नहीं क्यों हर मैप में आ जाता है, वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे भी आया था, एंशिएंट फॉरेस्ट में भी है, होरोफ्रॉस्ट रीच में भी है, और कोरल हाइलैंड्स में भी एक बार दिख गया था। और मुझे ये समझ नहीं आता बैनबेरो एल्डर ड्रैगन क्यों नहीं है, क्योंकि हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेता है वो। बुरी टाइमिंग, खैर कोई दिक्कत नहीं। हेडशॉट, नाइस। कॉम्बो में ही अटक गया मैं। एक और, फिर से गलत पोजीशनिंग। एक बार फिर से हेडशॉट, और रैथियन कमजोर। एक बार इसको मैं यहां पर फंसा लूं तो मैं इसके ऊपर यहीं पर ट्रैप डाल सकता हूं और यहीं पर इसको कैप्चर कर दूंगा। जरूरत ही नहीं है इसके नेस्ट तक मुझे इसको पीछा करने की। तो यार उम्मीद करता हूं कि सर स्पाइक मिल जाए मेरे को बस। एक बार सर स्पाइक मिल गया रैथियन का, तो जो इंसेक्ट ग्लेव है मेरा वो मैं कंप्लीटली अपग्रेड कर पाऊंगा। हंट कंप्लीट होना हो सबसे ज्यादा खुश बिल्ला ही रहता है। खैर रैथियन वीव शार्ड्स, शायद एक और सर स्पाइक मिलना था जो कि मिला नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिमेन ज्वेल मिला है मुझे, और वो पता नहीं क्या है।
Now we just need to track down that Tigrex and Brachydios. यार टीग्रेस और ब्रैकिडियोस तो आते रहेंगे, लेकिन मेरे को अपग्रेड करना है अपना डटूरा स्टॉर्म। तो देखते हैं कितना हुआ है, क्या नहीं, कितना नहीं। अपग्रेड इक्विपमेंट, अब इंसेक्टलेव। अरे यार एक और सर स्पाइक की ज़रूरत है। खैर कोई दिक्कत नहीं, उस सर स्पाइक को बाद में फार्म करूँगा एक और रैथियन मार करके। आर्मरी के पास देखते हैं। हंटर लुकिंग फॉर, आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू स्पेशलाइज्ड टूल एज यूजुअल। फायरी कन्वर्जेंस, ओके। तो यार नया क्वेस्ट ऐड हो चुका है, फायरी कन्वर्जेंस, जिससे अपने को एक नया टूल मिल सकता है, एक नया मेंटल मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि इंसेक्ट ग्लेव की ग्राइंडिंग तुमको कैसी लगी। और जो नया इंसेक्ट ग्लेव है मेरा पॉइजन वाला, उसका जो पैसिव डैमेज है वो तुमको कैसा लगा। और इसी के साथ यार मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ और मैं तुमसे मिलूँगा मॉन्स्टर हंटर के एक अगले एपिसोड पर।